पिछले संडे को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और सबूत पूरे देश के सामने रखे थे कि किस प्रकार से हवाला और काला धन आम आदमी पार्टी के खाते में आ रहा है और किस प्रकार से सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के दो एमएलए शिवचरण गोयल और नरेश यादव वो उन फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को पैसा मिल रहा है। पूरा एक हफ्ता हो गया लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। केवल दो बातें बोलते रहे कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है, और दूसरा बोलते रहे कि ये सवाल तो बड़े पुराने हैं, अभी हम इनका जवाब क्यों दें। एक एक दस्तावेज और सबूत जो देश के सामने रखा गया उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होके बैठे जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ हो। लेकिन कल एक व्यक्ति को सामने लाया गया, मुकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति कल सामने लाया गया और उस व्यक्ति ने आके ये बोला कि ये 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है आम आदमी पार्टी को। उस वीडियो को अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को मनीष सिसोदिया जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को संजय सिंह जी ने इंटरनेट पे वायरल किया और आम आदमी पार्टी के सारे सोशल मीडिया के लोगों को ये कहा गया कि इस वीडियो को पूरे इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाए और चारों तरफ ये दिखाया गया कि 2 करोड़ रुपए जो रात के 12 बजे सन 2014 में आए थे उसको देने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं इसीलिए मैंने 2 करोड़ रुपए दान दे दिया आम आदमी पार्टी को।